और नेतन्याहू ने मंत्री अमित शाह इलियाहू को अब हटा दिया है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको इनको लेकर ये सबसे बड़ी खबर दिखाई थी और उसी खबर पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट और इस वक्त की ये लेटेस्ट न्यूज, जहां नेतन्याहू ने अपने मंत्री अमित शाह इलियाहू को हटा दिया है। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को हटाने का लिया गया है फैसला और इलियाहू ने ही एटमी जो धमकी दी थी। मनीष हमारे सहयोगी इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। मनीष, इस वक्त लेटेस्ट अपडेट इस बारे में क्या है, क्योंकि अब तो इनको हटाने का फैसला ले लिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हेरिटेज मिनिस्टर के परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी ने दरअसल इजराइल, अमेरिका और इजराइल के तमाम समर्थक देशों में खलबली मचा दी थी। पहले से ही इजराइल पर लगातार इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन का आरोप लग रहा था, लगातार इस बात का आरोप लग रहा था कि सिविलियन की मौत हो रही है। और इस बीच इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से इजराइल सबके सामने कटघरे में आ गया था, और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेरिटेज मिनिस्टर को मंत्री पद से हटा दिया है। मंत्री पद से हटाकर इजराइल के प्रधानमंत्री ने दरअसल ये कहने की कोशिश की है, इजराइल इन बातों पर भरोसा नहीं करता है, इन बातों से सहमत नहीं है। वैसे भी अगर आप देखें तो इजराइल आधिकारिक तौर पर हमेशा कहता है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान ने दरअसल इजराइल के लिए ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी थी और इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री को अपने उस मंत्री को हटाना पड़ा। चलिए हालात को देखते हुए लगातार आपसे मनीष अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।